हुआ श्रुति का खुलासा। अनुज के सामने आया सच। टूटा श्रुति और अनुज का रिश्ता। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में असल में इससे पहले हुआ है घर में हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि अनुज को श्रुति की सच्चाई पता चल गई है। उसे ये पता चल गया है कि अनुपमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि श्रुति की जलन थी, जिसने श्रुति से ये सब कुछ करवाया है। इसीलिए घर वालों के सामने ही शुरू कर दिया अनुज ने तमाशा और श्रुति की सच्चाई सबके सामने बयां कर दी। अनुज बस होटल में नहीं जाएगा, कोई बात यही होगी सबके सामने सबके बीच में। जब तुम्हारा अपमान पूरी दुनिया के सामने हुआ था तो उसूलों के हिसाब से उसका हिसाब भी सबके सामने, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि जो हुआ किसके कहने पर हुआ और क्यों। स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट का यूएस में बंद होना, अनु ने जो ट्रॉफी जीती थी सुपरस्टार शेफ की, वो ट्रॉफी इससे वापस छीनना, वो गम, वो दुख, वो बेइज्जती और वो नुकसान जो अनु का हुआ, पता क्यों हुआ? क्योंकि वो फूड क्रिटिक मिस स्मिथ ने एक बात का पतंगर बनाया। She created a hill out of a mole, और पता है किसके कहने पे? श्रुति के कहने पे। तुम्हारी जलन की वजह से कितने लोगों के घर का चूल्हा जलना बंद हो गया जानती हो तुम? सोचा तुमने? अनु के सामने जो कहना है कहो, जो बोलना है बोलो, जो सच कहना है कहो, लेकिन तुम ये सच्चाई बदल नहीं सकती। लेकिन श्रुति ने भी ये बता दिया कि उसने ये सब अनुज को पाने के लिए किया ताकि अनुपमा उससे दूर चली जाए। ऐसे में गुस्से में लाल अनुज ने श्रुति से अपना रिश्ता तोड़ दिया और सगाई की अंगूठी श्रुति को वापस दे दी। तभी अनुपमा ने की एंट्री, जो अनुज को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो श्रुति से अपना रिश्ता ना तोड़े, लेकिन अनुज कहां किसी की सुनने वाला है। तुम्हारी यादों में रहेगी, जब तक यादों में थी सब ठीक था, फिर अनुपमा तुम्हारे शहर में आ गई। तुम्हारे शहर में आने के बाद तुम्हारे घर में आ गई, हमारे घर में आ गई। मैंने आध्या के लिए वो भी बर्दाश्त कर दिया, सौतन को घर में बर्दाश्त किया, लेकिन अब रिश्ते में बर्दाश्त नहीं कर पाई, नहीं कर पाई, क्योंकि क्योंकि मेरा दिल इतना पक नहीं है। मैं क्या, दुनिया की कोई औरत अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं बांट सकती है। मैं इनसिक्योर फील कर रही थी और तुम्हें पता है उसकी वजह कौन है? तुम अनुज। हर बात में अनु 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 करते रहते थे। तुम्हारी आंखों में मैंने इनके लिए प्यार बढ़ता हुआ देखा तो तू मेरे अंदर जलन बढ़ी। मैंने सोचा कि अनुज इनसे इतना प्यार क्यों करते, क्या है मैं इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, यंग हूँ, आध्या से प्यार करती हूँ, आध्या के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी, तुमसे भी इंतहा प्यार करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, रिश्ता टूट चुका है। आप मेरी बात सुनो, आप रिश्ता खत्म मत कीजिए। और सुनिए, प्लीज प्लीज और प्लीज और प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। आप मेरे शु फैमिली है ना, हम फैमिली है ना, बहुत शु वो बहुत आपका गुस्सा ठंडा होने तो कौन से भी बहुत गुस्से में
बेसिकली होता क्या है कि ऑफ कोर्स श्रुति अनुज की फियांसे है और अनुपमा जी वापस आ जाती है उनकी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं एज अ वुमन उनको अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट थिंक किसी भी वुमन को ऐसा अच्छा लगेगा। तो अब वो प्यार में कुछ गलतियां कर देती हैं और अनुज को पता लगता है, जो जिससे अनुज को बहुत गुस्सा आता है। तो बेसिकली वो सिर्फ ये बता रही है कि उसको उसने अगर ऐसा किया तो क्यों किया और क्या रीज़न था। तो उसका एक बहुत ही बड़ा यू नो बिकॉज श्रुति द कैरेक्टर से एक्सपेक्टेड नहीं था, पर उसने क्यों किया और एक्सप्लेनेशन ये था कि उसने प्यार के खातिर किया, तो क्या सब है और क्या वो सोचती है उसका ही था। बहुत ही लंबा सीन था, तो चलता गया ख़त्म ही नहीं हुआ, बट आई थिंक अच्छा था, ह्यूमन था, क्योंकि ह्यूमंस ऐसे बिहेव करते हैं, सो इट वॉज नाइस। इन सब के बाद अब श्रुति ने भी फैसला ले लिया है कि वो अनुज को छोड़ देगी। साथ ही उसने घर वालों के सामने ये भी कह दिया कि अनुज और अनुपमा अब एक हो जाएं, क्योंकि वो उन दोनों की ही जिंदगी से दूर जा रही है। इतना बड़ा तमाशा हो और वनराज चुप हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। फिर एक बार वनराज पहुंच गए हैं अनुपमा को ताने कसने के लिए। इसकी भरपाई तुम्हें इसी जन्म में करनी पड़ेगी और बहुत बड़ी भरपाई करनी। हाय लगे कि तुमको हाय, जैसे मुझे और काव्या को शादी के वक्त तुम्हारी हाय लगी थी ना, वैसे ही अब तुम्हें श्रुति की हाय। शादी करके भी तुम लोग खुश नहीं रह पाओगे कभी, नेवर। शादी मुबारक हो, बधाई हो शादी मुबारक हो, लेकिन तुमको बर्बादी मुबारक। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम भी तो लेकर आते ही हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की बारिश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से जाइए और वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।